Hello students, how are you? Hope you must be in good health and must be studying well also. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज को आज हम समझेंगे. आज हम समझेंगे बैड डेट्स, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. इससे पहले की वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने अप टू डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड डेप्रिसिएशन, इनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और बेस को अच्छे से समझ लिया है. इस कंसेप्ट को समझने के बाद हमने इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस भी खूब अच्छे से करी हैं. आई होप आपने मेरे वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा. आज जो हमारा फोकस रहेगा वो बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है उसमें अगर ये बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना आए ये तो हो ही नहीं सकता. इसलिए आज के इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है, सुनना है और समझना है और कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बैड डेट्स को समझेंगे. बैड डेट्स को ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है. बैड डेट्स क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं. जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल करी है, इफ़ दे फेल्स टू पे आवर अमाउंट इधर फुल्ली और पार्शली, दैट अमाउंट बिकम्स बैड डेट्स. बैड डेट्स जो है ये हमारे लिए इररिकवरेबल हो जाता है अगर डेटर्स हमें मना कर देता है कि मैं ये पैसा नहीं दे पाऊँगा. देखिए, कोई भी डेटर्स इंटेंशनली ऐसा नहीं करता है. अगर उसके हालात ऐसे कुछ हो जाते हैं वो नहीं दे पाता है तो वो आपको मना कर देगा, सर मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इस पैसे को आपको दे पाऊँ. तो वो अमाउंट हमारे लिए बैड डेट्स बन जाता है और बैड डेट्स को हम एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं. तो हम क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट जितने भी हमने जिससे हमने पैसे लेने हैं उसको हम क्लोज कर देते हैं और एक बैड डेट्स अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं. तो हम एंट्री एक बनाते हैं इसकी, बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और डेटर्स अकाउंट को हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं. अपनी एसेट्स को हम रिड्यूस कर देते हैं, डेटर्स हमारी एसेट्स हैं रिड्यूस करते हैं और हम उसको क्लोज करने के लिए डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, बैड डेट्स को हम डेबिट करते हैं. और ईयर एंड के अंदर हम बैड डेट्स अकाउंट को भी क्लोज करते हैं. हम बैड डेट्स अकाउंट को पी एंड एल अकाउंट में ले जाते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में और बैड डेट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं. हम क्या एंट्री बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट. यहाँ जो हमने डेबिट किया था बैड डेट्स को, इधर हम क्रेडिट कर देते हैं, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. अब हमने देखना है, हमने इसका फाइनल अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह करना है अगर बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं या बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए हैं एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ट्रायल बैलेंस है, हमें यहाँ पर डेटर्स आपको दिए हुए हैं 20,000 और बैड डेट्स दे रखे हैं आपको 2,000. तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे हम, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है. स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, जो भी आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं उसकी सिर्फ से एक एंट्री होगी, या तो वो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता है या लायबिलिटी साइड या एसेट साइड बैलेंस शीट में जाएगा. अब क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शंस हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई हैं, डेटर्स भी दिए हुए हैं बैड डेट्स भी दिए हुए हैं, तो सिर्फ इसकी एक ही एंट्री होगी. हमारे पास डेटर्स आ गए हमारे एसेट साइड में 20,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ गए, और बैड डेट्स हमारे आ जाएंगे पी एंड एल अकाउंट में 2,000 रुपीज़. हम इसकी क्यों सिंगल एंट्री करते हैं, क्योंकि ये जो डेटर्स लिखे हैं इसमें से ये बैड डेट्स एडजस्ट करके ही लिखे हैं. इसका मतलब ये है एक्चुअल में ये जो डेटर्स होंगे 20,000 प्लस में 2,000, 22,000 के होंगे ये डेटर्स, जो आपको यहाँ माइनस करके 20,000 लिख दिया. जब एक दफ़ा माइनस हो गया तो हमने फिर यहाँ पर माइनस नहीं करना है. अब चलते हैं अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ दिया हुआ है. अब फॉर एग्जांपल, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स
1000 रुपीज़। स्टूडेंट्स, जो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए हैं बैड डेट्स, उनको बोला जाता है फर्दर बैड डेट्स। मतलब ये बैड डेट्स तो हैं ही, इसके साथ में और भी फर्दर बैड डेट्स हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर। तब अब क्या करेंगे आप इस केस में? ये दोनों ट्रांजैक्शंस तो एज इट इज़ ही रहेंगी, इनका तो हमने कुछ नहीं करना, सिंगल एंट्री करनी थी, हमने कर दी। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये दो जगह जाएगा। बैड डेट्स हमको फर्दर बैड डेट्स दिए हुए, पहली एंट्री होगी हमारी यहाँ पे एड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। अब यहाँ 2000 थे, हम इसको अब इनर कॉलम में लिख लेंगे और 1000 यहाँ पे ऐड करके 3000 हम यहाँ बाहर के कॉलम में लिख देंगे। अब एक एंट्री तो हमने कर ली, दूसरी एंट्री हम कहाँ करेंगे? दूसरी एंट्री फर्दर बैड डेट्स की हम यहाँ पे माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। ट्वेंटी थाउजेंड आप यहाँ इनर कॉलम में लिखिए अब, और माइनस में 1000 रुपीज़, 19000 रुपीज़। क्लियर हो गया इतना हमारा? हमने इस बैड डेट्स की दो जगह एंट्री करी है, फर्दर बैड डेट्स की एक एंट्री हमने बैड डेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैड डेट्स से हमारे 2000 रुपीज़ के उसमें हमने ऐड कर दिया। दूसरी एंट्री करी हमने जो डेटल्स हमारे कम हो गए, अब बैड डेट्स 1000 रुपीज़ से और बढ़ गया, ये वाले बैड डेट्स तो ऑलरेडी रिड्यूस करके लिखे हुए थे 20000, अब हमने 1000 और माइनस कर दिया तो 19000 हो गया। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर जो हमने ये फर्दर बैड डेट्स लिखे मान लीजिए सुरेश के थे, अब सुरेश को हमको ये बोलता है कि जी मैं 1000 रुपये तो नहीं दे सकता, हाँ आपको 500 रुपये मैं दे देता हूँ, आप 500 रुपये ले लीजिए। तो आप इसकी क्या क्या एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर? उसने हमको मान लीजिए कैश दिया या चेक दिया, तो हमने ले लिया कैश, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, टू किसको करेंगे? अब हम डेटर्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, अब हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, हम एक अकाउंट खोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ₹500 से यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डेटर्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, डेटर्स को अकाउंट को हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे हम एक नया अकाउंट खोल देंगे, इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और ये अकाउंट कहाँ जाता है हमारा? ये एक तरह से हमारा गेन हो गया, क्योंकि जिस अमाउंट को हम सोच रहे थे नहीं मिलेगा, अगर वो मिल जाता है, चाहे 500 ही रुपीज़ मिले तो हमारे लिए गेन है। तो हम गेन को कहाँ दिखाते हैं? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ दिखा देंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 500 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई है तो हम आगे चलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसको रब करता हूँ फिर आपको आगे समझाएंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना है इसको, क्योंकि इसके बिना फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं बनता है। हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रूडेंस प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल कहता है कि यू एंटिसिपेट ऑल योर एक्सपेंसेस और लॉसेस, आप एक दफ़े को आप इनकम को एंटिसिपेट मत करो, लेकिन सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को एंटिसिपेट करो और उसकी प्रोविज़न बनाओ करंट ईयर के अंदर। तो इस प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से हम एंटिसिपेट करते हैं हमारे लाइकली बैड डेट्स कौन से हो सकते हैं, जिनको हम डाउट कर सकते हैं, हम जिसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स, कि दे मे और मे नॉट बिकम अवर बैड डेट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोविज़न बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के नाम से, इसको हम करंट ईयर में बैड डेट्स नहीं मानते, हम इसको अभी नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर में हम बैड डेट्स मानेंगे, करंट ईयर में हम इसको एक सिर्फ से एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं डाउटफुल डेट्स के नाम से। अब आप बोलेंगे
कि हम किस बेसिस के ऊपर कैसे हम एस्टिमेट लगाएं कि हमारे जो डेटर्स हैं इनमें से कौन सा जो गुड डेटर्स है वो किस तरह कौन सा डाउटफुल हो जाएगा या कौन सा हमारा बैड डेटर्स हो जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस में हमें देखते हैं कि कितने परसेंटेज डेटर्स हमारे बैड डेट्स बन गए, कि कितने डेटर्स हमारे जो हैं पैसा नहीं दे पाए हमको। तो मान लीजिए 2% या 5% हमारे डेटर्स ऐसे थे जो हमको नहीं दे पाए, पैसा नहीं लौटा पाए, तो हम करंट ईयर में भी वही प्रैक्टिस रखेंगे। 5% मान लीजिए हमारा 100,000 रुपये के डेटर्स हैं, तो 5% हम 5,000 रुपये डेटर्स के हम डाउटफुल डेट्स में क्रिएट कर देंगे। तो डाउटफुल डेट्स हम क्रिएट करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं P&L अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और एक जो नया अकाउंट हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स बनाने से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसका जो प्रॉफिट है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। जितने से भी हम डाउटफुल डेट्स बनाएंगे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। इन डाउटफुल डेट्स को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर जितने भी हमारे बैड डेट्स बनते हैं वो हम इसमें से एडजस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमने प्रोविज़न बनाते हैं से 10,000 रुपीज़ का प्रोविज़न हमने बनाया 10,000 रुपीज़ का करंट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में हमारे बैड डेट्स बन गए 12,000 के, तो यहाँ पे हमने प्रोविज़न 2,000 रुपये से कम बनाया, तो 2,000 रुपये हम नेक्स्ट ईयर में बैड डेट्स हम 2,000 रुपये को डेबिट कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर बैड डेट्स नेक्स्ट ईयर में सिर्फ से 5,000 ही रहते हैं जबकि हमने प्रोविज़न बनाया हुआ 10,000 का, तो एक तरह से ये हमारा गेन हो जाता है। तो गेन को हम कहाँ लेके जाते हैं, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5,000 रुपीज़ को P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अभी कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, मैंने इलस्ट्रेशंस तैयार करके रखी हुई आपके लिए, हम इसकी एंट्रीज करेंगे, आपको बेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपने बहुत अच्छे से इसको सुनना है समझना है। फॉर एग्जांपल आपको ये ट्रायल बैलेंस बना के दी हुई है, इसके अंदर डेटर्स दिए हुए 410,000, बैड डेट 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000। प्रोविजन्स है, लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में ही मिलेगी आपको, और ये दोनों हमारे ये एसेट्स हैं और ये एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे डेबिट में मिलेंगे। तो ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो इन सब तीनों की एंट्रीज तो एक बार होगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है जिसके अंदर बैड डेट्स भी हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। वो कहता है फर्दर बैड डेट्स 6,000 तो है ही, 10,000 और क्रिएट करने हैं फर्दर बैड डेट्स। इसके अलावा मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स। वो कहता है डेट हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 बनाया हुआ, ये कहता है कि 10% बनाना है ऑन डेटर्स। तो अब देखते हैं इसको हम किस तरह से एंट्री करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको। अब सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के हिसाब से चलते हैं, जो डेटर्स हमको दिए हुए हैं हम एसेट साइड बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में हम डेटर्स लिख देते हैं। अभी हम सब कुछ इनर कॉलम में लिखेंगे 410,000 रुपीज़। हमारी ये एंट्री पूरी हो गई, सिंगल एंट्री होनी है। बैड डेट्स 6,000 रुपीज़, ये भी सिंगल एंट्री होगी, कहाँ आएगी हमारी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट्स 6,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, इसको अभी आप रहने दीजिए, हम इसकी सबसे लास्ट में एंट्री करेंगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं प्रोविजन्स ऑलरेडी। ये हमारे बोलते हैं हम इसको ओल्ड प्रोविजन्स, पिछले साल के प्रोविजन्स हैं जो यहाँ पे अभी दिखा रहा है। अब हम चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। फर्दर बैड डेट्स 10,000 रुपीज़, इसकी दो साइड एंट्री होगी। पहली एंट्री आप इसको बैड डेट्स को मैं ऐड कर दीजिए, फर्दर बैड डेट्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत लिखिएगा, मेरे को स्पेस की प्रॉब्लम है, प्लीज़ बियर विद मी। 10,000 रुपीज़ यहाँ हमने ऐड कर दिए फर्दर बैड डेट्स के नाम से, तो ये कितने हो गए 16,000 रुपीज़। और फर्दर बैड डेट्स हम कहाँ से माइनस करेंगे, दूसरी साइड क्या एंट्री होगी, डेटर्स में से हमने माइनस कर दिए FBD। मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप समझ जाइएगा, FBD का मतलब फर्दर बैड डेट्स। 10,000 रुपीज़ हमने माइनस कर दिए डेटर्स में से
4 lakhs rupees. हमने ये 6000 माइनस नहीं किए डाटस में से, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस होके ही यहाँ पे 4,10,000 आया हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स। ये कह रहा है अब जो डाउटफुल डेट्स हैं ये 10% बनाओ ऑन डेटर्स। अब हम डेटर्स पे 4,010 पे नहीं बनाएंगे, 4,10,000 पे नहीं बनाएंगे, हम इस पे बनाएंगे। आप ये स्टेप्स जो हैं इसको ध्यान रखिएगा, इसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे माइनस में करना है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना बोलता है 10%। 10% का मतलब हो गया 40,000। इट मीन्स हमारे डेटर्स कितने रह गए 3,60,000 के। अब सेकेंड एंट्री का क्या होगी इसकी, हमें डेटर्स क्रिएट करने हैं। मेंटेन 10% बोला है तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। ये हो गया हमारा टोटल 56,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, ये हमने पिछले साल क्रिएट किए थे जो इस साल कैरी फॉरवर्ड किए हैं। अब करंट ईयर में हमने क्या किया है, 10% डेटर्स पे वो बोल रहा है आप मेंटेन रखो। 10% हमने कर लिए तो इसका मतलब इन डेटर्स, इन डाउटफुल डेट्स की हमको ज़रूरत नहीं है। इनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम आगे ओल्ड प्रोविज़न। कितना है ये 20,000 रुपीज़। अब टोटल आ गया हमारे पास 36,000। ये स्टूडेंट्स सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस में ही आपने एंट्रीज को करनी है। सबसे पहले बैड डेट्स, फिर फर्दर बैड डेट्स ऐड करना है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है, फिर हमने ओल्ड प्रोविजंस को इसमें से माइनस कर देना 36। तो अब हमारे पास नेट कितना आ गया 36,000 यहाँ ही आ गया। इसकी सिर्फ से सिंगल एंट्री होगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। हमने यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने 10% डेटर्स के ऊपर मेंटेन किया हुआ है डाउटफुल डेट्स को। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। बिल्कुल भी डाउट नहीं मन में रहना चाहिए। अगर डाउट कहीं भी रह रहा है तो फौरन मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप ज़रूर। अब स्टूडेंट्स हम और आगे चलते हैं। अब हम एक ऐसा केस लेंगे जहाँ पे ओल्ड प्रोविजंस जो है वो ऑलरेडी मोर देन होगा बैड डेट्स से, फर्दर बैड डेट्स से, और जो हम मेंटेन करेंगे डाउटफुल डेट्स डेटर्स के ऊपर उससे ऑलरेडी ज़्यादा क्रिएट किया हुआ होगा। तब उस केस में क्या एंट्री होगी, क्या ट्रांजेक्शन्स बनेगी, हम इसको देखेंगे। मैं भी इसको रब करता हूँ और नई फिगर्स आपके लिए लेके आता हूँ। वेलकम अगेन। मैंने अब यहाँ पे फिगर्स को चेंज कर दिया है। डेटर्स 3,50,000 ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, बैड डेट्स दिए हुए हैं 10,000, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स देखिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दिया हुआ है 60,000 रुपीज़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ फर्दर बैड डेट्स 30,000 और मेंटेन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्डे डेटर्स। अब वही एंट्रीज करनी है, सेम करना है, एक तरह से आपका रिविज़न भी हो जाएगा और दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम जो ट्रायल बैलेंस में एंट्री दी हुई है इसको करते हैं। डेटर्स हमें दिया हुआ है 3,50,000। डेटर्स हमारा लैब एसेट साइड में आ गया, डेटर्स 3,50,000। ठीक है, बैड डेट्स 10,000 हमको दिया हुआ है। आप देखिए बैड डेट्स अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं अभी बाहर लिख रहा हूँ बैड डेट्स 10,000। फर्दर बैड डेट्स, अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अभी हम छोड़ देते हैं, जैसे पहले के क्वेश्चंस में हमने बाद में सबसे किया था इसी तरह अब भी हम इसको बाद में लेंगे। हम अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स की दो एंट्रीज होंगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। एक तो 30,000 रुपीज़ हमारे माइनस हो जाएंगे, माइनस फर्दर बैड डेट्स 30,000 रुपीज़, कितने रहेगा ये 3,20,000। और फर्दर बैड डेट्स को हम क्या करते हैं, फर्दर बैड डेट्स 30,000 रुपीज़, 40,000 हमारे बैड डेट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। अब 5% हमने डेटर्स पे निकालने हैं, माइनस में
प्रोविजन 5% हो गया इसका स्टूडेंट्स 16,000 रुपीज, तो हमारे डेटर्स कुल हो गए 3,04,000। क्लियर है? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की हमने एक एंट्री कर दी है, एक एंट्री और हमने करनी है अभी, इसको हमने ऐड करना है बैड डेट्स के अंदर। ऐड प्रोविजन, करंट ईयर प्रोविजंस हो गए 16,000 रुपीज। अब टोटल बैड डेट्स कितने हो गए हमारे पास 56,000 रुपीज। इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं माइनस में ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि अब ओल्ड प्रोविजन की जरूरत नहीं है, हमने नया प्रोविजन इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्रिएट कर लिया। ओल्ड प्रोविजन हमको दिए हुए स्टूडेंट 60,000 रुपीज। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए आप, मैंने क्यों इसको बाहर अभी रफ वर्क में बनाया है, ओल्ड प्रोविजन हमारा ऑलरेडी ज़्यादा है, हमने जो करंट ईयर के बैड डेट्स हमने क्रिएट किए हैं वो 56,000 के हैं और जो ओल्ड प्रोविजन है वो 60,000 का है। इट मीन्स 4,000 जो है ये हमारा गेन हो रहा है। हमने 60,000 को हम मान के चल रहे थे डाउटफुल डेट्स हैं हमारे, ये पैसा नहीं देंगे, लेकिन 56,000 हमको पैसा नहीं मिला, 4,000 का हमें गेन हो गया। अब इसको P&L अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। इसका प्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे इसको आप देख लीजिए, आप इसका प्रेजेंटेशंस इस तरह नहीं होगा, अब हमें उल्टा रिवर्स कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 60,000 रुपीज माइनस में। अब ये बैड डेट्स प्लस में फर्दर बैड डेट्स 10,000 प्लस में 30,000, इनको माइनस कर दीजिए। कौन कौन से, बैड डेट्स प्लस में फर्दर बैड डेट्स 10,000 प्लस में 30,000, 40,000 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा है इसमें से 20,000। क्लियर है? अब इसमें से अब प्रोविजंस जो हमने क्रिएट किया है ये वाला 5% ऑन डेटर्स ये माइनस कर दीजिए बस, माइनस में करंट ईयर प्रोविजन 16,000। अब ये 4,000 हमारा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंस था पहली इलस्ट्रेशंस में और इस इलस्ट्रेशंस में, वर्किंग दोनों में सेम है। इसमें हमारे पास गेन हुआ है, हमारा ऑलरेडी प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स लास्ट ईयर ज़्यादा बनाया हुआ था, तो इसलिए हमें गेन हो गया 4,000 रुपीज़ का। इससे पहले जो इलस्ट्रेशंस करी वो प्रोविजंस हमारा कम पड़ गया था, तो हमने P&L अकाउंट को डेबिट कर दिया था। यहाँ के प्रेजेंटेशंस में आप थोड़ा सा फ़र्क देखेंगे, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा है तो हमने ओल्ड प्रोविजन को सबसे ऊपर लिखा है, माइनस में दोनों बैड डेट्स कर दिए, बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ और जो फर्दर बैड डेट्स हैं 40,000 माइनस कर दिया, और फिर जो करंट ईयर हमने डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न बनाया उसको माइनस कर दिया, तो 4,000 रुपीज़ हमारे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गए। अब इतना अगर आपको स्टूडेंट समझ में आ गया है तो हम और आगे चलते हैं प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर। जो हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल करी हुई है, कभी कभी वो कहते हैं जी हम आपको पूरी पेमेंट दे रहे हैं, टाइम से पेमेंट दे रहे हैं या टाइम से पहले भी पेमेंट दे रहे हैं, तो आप हमको कुछ तो डिस्काउंट दे दीजिए, हमने आपको 10,000 देना है, आप 5% कुछ तो डिस्काउंट दीजिए, तो हम उनको डिस्काउंट दे देते हैं। इन केस अगर हम उनको डिस्काउंट देते हैं ऐसे किसी डेटर्स को, तो वो हम उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मान लीजिए 10,000 लेने थे, हमने 2% छोड़ दिए, 200 रुपये छोड़ दिए, तो 200 रुपये हमारे लिए तो खर्चा हो गया ना, तो उसको हमने नाम दिया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लेकिन ये हमारा एक खर्चा है, तो हम इस खर्चे को कहाँ दिखाएंगे, हम इस खर्चे को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे एज एक्सपेंस। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशंस लेके आता हूँ, जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डेटर्स में किस तरह से ट्रीट किया जाता है और P&L अकाउंट में कहाँ पे शो किया जाता है। तो अभी आप बने रहिए, अभी मैं इन फिगर्स को रब करके दूसरी फिगर्स लेके आता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे फिगर्स चेंज कर दी हैं, अब हम समझेंगे प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर। इस इलस्ट्रेशंस में स्टूडेंट्स तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, तीनों एडजस्टमेंट एंट्रीज मिलेंगी, बैड डेट्स, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा,
क्योंकि ये अपनी तरह की अलग इलस्ट्रेशंस है, आपने इसको अगर समझ लिया तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते इस तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंट्रीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। आप इसलिए इसको बहुत ध्यान से अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में कुछ फिगर्स दी हुई हैं और ये आपको तीन एडजस्टमेंट एंट्रीज़ दी हुई हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हमारी प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर भी है और एक नया जो हमने अभी सीखा है प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो डिस्काउंट डेटर्स हमसे मांगते हैं ऑन टाइम पेमेंट्स के ऊपर। तो ये तीनों एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। इसमें फर्दर बैड डेट्स क्रिएट हुआ हुआ है, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% ऑन डेटर्स। तो आप इसको अच्छे से देखिए समझिए। सबसे पहले हम चलते हैं जो ट्रायल बैलेंस में फिगर्स दी हुई हैं। डेटर्स दिया हुआ है हमको 101,000 रुपीज़, तो हम इसको एसेट साइड में लिख देंगे डेटर्स 101,000 रुपीज़ इनर कॉलम में, ठीक है। ये सिंगल एंट्री होनी थी, हमने सिंगल एंट्री कर दी। बैड डेट्स हमको दिए हुए हैं 2,000 रुपीज़ के, बैड डेट्स आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बैड डेट्स 2,000 रुपीज़ इनर कॉलम में हम लिख रहे हैं। इसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट अलाउड। ये भी स्टूडेंट्स हमारा डेटर्स के ऊपर हमने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है, तो हमारा एक्सपेंस है, हम इसको P&L अकाउंट में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 1,500 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,000 रुपीज़। जिस तरह प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, लाइबिलिटी है 5,000 रुपीज़ की, इसी तरह प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, ओल्ड प्रोविज़न है, लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा 1,000 रुपीज़। चलिए अब हम चलते हैं एडिशनल एंट्रीज़ की तरफ। एडिशनल एंट्री में सबसे पहले दी हुई है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स दो एंट्रीज़ होंगी, एक तो बैड डेट्स में से माइनस हो जाएगा FBD मतलब फर्दर बैड डेट्स रुपीज़ हमने माइनस कर दिए, कितना रह गया ये 1,00,000 रुपीज़। दूसरी एंट्री कहाँ होगी, इसमें हम ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स 1,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, ठीक है। हमारी ये एंट्री पूरी हो गई। अब आ जाइए मेंटेन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3% सीक्वेंस हमारा इसी तरह ही चलना है। हमने डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करने हैं, अब हमने क्या निकालना है मेंटेन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमें डाउटफुल डेट्स हैं, जो हमारे बैड डेट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। तो हमने यहाँ पे और माइनस किया 3% हो गया स्टूडेंट्स का 3,000 रुपीज़, तो ये कितना रह गया 97,000, ठीक है। अब ये 3,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे और ऐड कर देने हैं प्रोविज़न करके, प्रोविज़न करंट प्रोविजंस हो गया हमारा ये 3,000 रुपीज़, अब कितने हो गए हमारे 6,000 रुपीज़ के बैड डेट्स हो चुके हैं। अब हमारी ये एंट्री पूरी हो चुकी है, हमने इसकी दोनों तरफ एंट्रीज़ कर दी हैं। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ये अब इस अमाउंट के ऊपर निकलेगा जो डेटर्स का ये रेजिडुअल अमाउंट आ रहा है। तो माइनस में ये था हमारा प्रोविज़न डाउटफुल डेट्स, अब यहाँ आ गया प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये है 2%, 2% का मतलब हो गया 1,940। डेटर्स में से 1,940 हमने प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने बनाया है, अब इसमें से माइनस कर दिए और डेटर्स की तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी आपके आउटर कॉलम में, ये आ गई 0,6,059, 95,060। अभी यहाँ हमने प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की वन साइड एंट्री करी है, अभी हमने इसको यहाँ पे नहीं एंट्री करी। हमारा आप देखेंगे P&L अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड हमारा 1,500 जा रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब प्रोविजंस को हम ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे हम प्रोविज़न ऐड करते थे डाउटफुल डेट्स में, इसी तरह हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी प्रोविज़न हम डिस्काउंट अलाउड में ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, ऐड प्रोविज़न,
कितना है 1940। थ्री फोर फोर जीरो। अब हम चलते हैं फिर से ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस में हमने अभी दो एंट्रीज छोड़ी हुई हैं, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पहले आ जाइए, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स 5000 का है, इसकी एंट्री सिंगल एंट्री होगी। कहाँ माइनस होगा? ये ओल्ड प्रोविजंस है, हमें करंट में से माइनस कर देना है। ओल्ड प्रोविजंस, माइनस में ओल्ड प्रोविजन, कितना है 5000 रुपीज़। तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में हमारे पास आ गया 1000 रुपीज़ बैड डेट्स का। हमारा प्रोविजंस 5000 रुपीज़ का था, बैड डेट्स बन के आए 6000 रुपीज़, तो हमने 1000 रुपीज़ से और क्रिएट कर दिया। चलिए अब आ जाइए, प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1000 रुपीज़, सेम ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे हम ओल्ड प्रोविज़न माइनस कर देंगे। ओल्ड प्रोविज़न कितने का है? ये 1000 रुपीज़ से, तो ये आ गया 2440। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री, कंप्लीट एंट्री हमने इसकी कर दी है। ये हमारा बैड डेट्स की एंट्रीज हो गई पी एंड एल अकाउंट में, ये हमारी हो गई डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। अगर इस तरह की कोई एंट्री आपकी आती है तो आई होप, आई विश कि आप बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर अभी भी ज़रा भी डाउट है तो फौरन कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए मुझे कि मेरे को यहाँ पे डाउट है, मैं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में ही उसको ले लूँगा। अब आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशंस को समझेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, हम इनको समझेंगे और उसके बाद एक कंप्लीट क्वेश्चंस को लेके आएंगे, एक इलस्ट्रेशंस लेके आऊँगा, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन लेके आऊँगा जिसमें मैक्सिमम आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज को कवर होगा, उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिए। अभी के वीडियो में हमारा इतना ही है, हम भी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।